कोतवाली थाना क्षेत्र के पुरदिलपुर में मंगलवार को साइबर कैफे में अश्लील हरकत की शिकायत पर छापेमारी करके पुलिस ने संचालिका सहित 9 युवक युवतियों को हिरासत में ले लिया, जिसमें 5 युवक और 4 युवतियों सहित संचालिका भी शामिल है। इस संबंध में सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया कि पुरदिलपुर स्थित एक रिहायशी मकान में साइबर वर्ल्ड नाम से साइबर कैफे चलता था, जिसमें लोगों द्वारा शिकायत मिली कि साइबर कैफे के नाम पर यहां आने वाले युवक और युवतियों द्वारा अश्लील हरकत करते हैं तथा आने जाने वालों पर भी छींटाकशी करते हैं, जिस पर मंगलवार को पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छापेमारी की। सीओ बीपी सिंह ने बताया कि इस मकान को कमर्शियल यूज़ किया जा रहा था, जिसके लिए GDA को पत्र लिखकर उसे सील करने का अनुरोध किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज़ से बात करते हुए सीओ कोतवाली बीपी सिंह ने बताया, एक साइबर वर्ल्ड नाम का एक संस्था इस तरह से चलाती थी कि वहाँ कंप्यूटर का प्रशिक्षण होगा। आम लोगों का ये कहना था कि यहाँ कुछ युवक और युवतियाँ आती हैं और राह चलने वालों को भी छींटाकशी करते हैं, इससे लोगों में आक्रोश है। ऐसी तात्कालिक सूचना पर पुलिस मौके पर गई, कुछ अश्लील हरकत करते हुए संदिग्ध अवस्था में पाए गए, तो उनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर कार्रवाई की गई। कितने दिनों से इनकी संस्थाएं संचालित थी? अभी जो उनकी किताब मिली है उसके हिसाब से अगस्त महीने से चालू हुई। न कोई संस्था नहीं है, इनका निजी मकान है। उसी निजी मकान में ऊपर छात्रावास है लड़कियों का, नीचे लड़कों का छात्रावास है। उसी छात्रावास के कुछ भाग में इस तरह का कार्य किया जा रहा था। वो जो मकान मालकिन है वो आवासीय भवन को कमर्शियल भवन के रूप में प्रयोग में ला रही थी, जिसके लिए GDA को रिपोर्ट भेजी जा रही है और वो सील कराया जाएगा और साथ साथ जुर्माने की भी कार्रवाई होगी।